बुमराह के सीरीज से बाहर होने पर बौखलाए कप्तान रोहित शर्मा ने दे दिया ऐसा बयान। श्रीलंका के साथ इन तीन सीरीज से विवाद हुए जसप्रीत बुमराह। वनडे सीरीज से पहले कप्तान हिटमैन ने बताया बुमराह क्यों हुए टीम से बाहर। भारत और श्रीलंका के बीच 10 जनवरी से 3 मैचों की वनडे सीरीज की शुरुआत होने जा रही है। इस सीरीज की कमान रोहित शर्मा के हाथों में होगी। वहीं सीरीज में मुकाबले से पहले टीम इंडिया को जसप्रीत बुमराह के रूप में बड़ा झटका लगा है। वह सीरीज का हिस्सा नहीं बन पाएंगे, जिस पर कप्तान हिटमैन ने बड़ी प्रतिक्रिया दी है। श्रीलंका के खिलाफ खेली जाने वाली वनडे सीरीज में सीनियर्स खिलाड़ियों की वापसी होने जा रही है, जिसमें कप्तान रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे दिग्गज खिलाड़ियों का नाम शामिल है। इस सीरीज में बुमराह को भी जोड़ा गया था, लेकिन बीसीसीआई ने जानकारी देते हुए मैच से एक दिन पहले सीरीज से बाहर कर दिया। वहीं उनके बाहर होने के बाद हिटमैन ने बड़ी प्रतिक्रिया दी है और उन्होंने कहा बुमराह एनसी में इतनी मेहनत कर रहे थे, यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन हमें उन पर अतिरिक्त ध्यान देने की जरूरत है। हमारे पास शानदार खिलाड़ियों का एक जमावड़ा है और हमारा ध्यान मैदान पर जाकर अपना शत प्रतिशत देने का है। जहां तक कप्तानी की बात है तो बल्लेबाज या गेंदबाज होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसके लिए बस अपनी समझ मायने रखती है और उन्हें मैंने काफी करीब से देखा है, उनके पास खेल की काफी समझ है। बुमराह ने सितंबर में भारत के लिए आखिरी T20 इंटरनेशनल मैच खेला था। कमाल की बात यह है कि उस वक्त भी उन्होंने बैक इंजरी से वापसी की थी और सिर्फ एक ही मैच में खेलने के बाद चोटिल हो गए थे। वे अपनी चोट से उबरने के लिए एनसीए में जमकर पसीना बहा रहे हैं, लेकिन वे अभी टीम में वापसी करने के लिए फिट होने में नजर नहीं आए। जसप्रीत बुमराह के बाहर होने के बाद वनडे सीरीज में कप्तान रोहित शर्मा की मुश्किलें थोड़ी बढ़ गई हैं। अब रोहित वनडे सीरीज में 4 तेज गेंदबाजों के भरोसे हैं। रोहित की टीम में अनुभवी मोहम्मद शमी के अलावा युवा मोहम्मद सिराज, उमरान मलिक और अर्शदीप सिंह ही बचे हैं। यानी रोहित को इन 4 गेंदबाजों के सहारे ही श्रीलंका के खिलाफ इस्तेमाल करना होगा। यही वजह है कि अगर बुमराह टीम में शामिल होते तो टीम इंडिया की ताकत थोड़ी बढ़ जाती। बीसीसीआई ने बताया कि श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज से बुमराह बाहर हो चुके हैं। वहीं एक रिपोर्ट्स के अनुसार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह न्यूजीलैंड सीरीज का हिस्सा भी नहीं बन पाएंगे, जबकि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेली जाने वाली टेस्ट सीरीज के पहले मुकाबले में भी उनके खेलने पर संशय बना हुआ है। बता दें कि जसप्रीत बुमराह कमर में स्ट्रेस फ्रैक्चर के चलते लंबे समय से टीम इंडिया से बाहर हैं। इससे पहले वह एशिया कप और T20 विश्व कप से ही बाहर हो गए थे। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर जसप्रीत बुमराह आखिर कब तक फिट होंगे और टीम में वापसी करेंगे। आप भी इस खबर पर अपनी राय दीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस स्पोर्ट्स के साथ।